गुड मॉर्निंग 10th क्लास। इन लास्ट वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। कोई भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल का मतलब जहां मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट रहेंगे, उनको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। सो कल हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर चाइना रोज के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया। बेस होता है उसको बोलते हैं हम रिसेप्टिकल। ग्रीन कलर की लीव्स एक फ्लावर में, उनको बोल देंगे सेपल्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद जो कलरफुल पार्ट होगा फ्लावर का, उसको हम बोलते हैं पेटल। ग्रुप ऑफ पेटल्स को बोला जाएगा कोरोला। फिर उसके बाद दो मेन पार्ट्स हमने डिस्कस किए, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको बोलते हैं हम स्टेमन। स्टेमन दो चीजों से मिलके बनेगा, एंथर और एक फिलामेंट रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं हम कार्पल और पिस्टिल। पिस्टिल के तीन मेन पार्ट्स होंगे, अबव पार्ट स्टिग्मा, एक लॉन्ग सी ट्यूब स्टाइल और एक स्वोलन से स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी में प्रेजेंट है ओव्यूल्स और ओव्यूल्स में फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है। जैसे एंथर में पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, पोलन ग्रेन्स में क्या प्रेजेंट होगा? मेल गैमेट होगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए एक और टर्म यूज की जाती है जो क्या है? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास फ्लावर है प्लस जो सीड है वो कवर्ड है किससे? ओवरी से। मींस वहां पे फ्रूट की फॉर्मेशन है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म अराइजेस फ्रॉम टू ऑर्गेनिजम्स। दो कोई ऑर्गेनिजम्स मिलके एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। वन रहेगा मेल और अदर रहेगा फीमेल। मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। और ये गैमेट्स क्या करेंगे? आपस में फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद क्या बन जाता है? जायगोट बनेगा। क्या है? दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसका मेन स्टेप क्या होता है? गैमेट्स की फॉर्मेशन, ठीक है। तो टू टाइप्स के गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक होगा फीमेल गैमेट और एक रहेगा मेल गैमेट, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है। फ्यूजन समझते हो? आपस में मिल जाएंगे। सो मेल और फीमेल गैमेट की जब फ्यूजन हुई उसके बाद बनती है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम जायगोट, ठीक है। और जायगोट ऑलवेज क्या होता है? यूनिसेल्यूलर, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन स्टेप क्या होता है? गैमेट्स की फॉर्मेशन। फीमेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के बाद एक स्ट्रक्चर अराइज होगी जिसको बोलते हैं जायगोट। जायगोट एक यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर है। फिर जायगोट है जो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से दो पेरेंट एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन गैमेट्स एंड टाइप्स। गैमेट क्या होती है? ऐसी सेल्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगी उनको हम क्या बोलते हैं? गैमेट्स, या फिर क्या बोल सकते हैं? सेक्स सेल्स, ठीक है। और एक और टर्म रहेगी जर्म सेल्स, ठीक है। तो गैमेट्स के लिए हमारे पास है तीन टर्म, तीनों में से कोई भी टर्म आ रही है मीनिंग सेम है। या तो बोल रहे हम सेक्स सेल्स क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। दूसरा नेम क्या दे रहे हैं हम? गैमेट्स। और थर्ड नेम क्या होगा? जर्म सेल्स, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो नेम है इनका मतलब सेम है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो गैमेट होते हैं, जर्म सेल्स होती है और सेक्स सेल्स होती है, उनके पास क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। सो क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा,
ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। जर्म सेल्स हैं, गैमेट्स हैं, सेक्स सेल्स हैं, उनके पास क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा। बाकी जो बॉडी की सेल्स हैं, जिनको हम क्या बोल देंगे, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स। और रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन सी है, जर्म सेल्स, गैमेट्स या फिर क्या बोल सकते हैं हम, सेक्स सेल्स। सो जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स है ना, उनसे जर्म सेल्स के पास क्रोमोसोम का नंबर हाफ मिलता है। ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं, ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब जो ह्यूमन का मेल है या फीमेल गैमिट है, उसके पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है। सो जर्म सेल्स के पास क्रोमोसोम का नंबर हाफ मिलेगा, और बॉडी की जो सारी सेल्स है जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, मसल सेल्स होगी, ठीक है, ब्लड सेल्स हैं, जो कोई भी सेल्स है ना, वहां पे जहां कहीं भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है तो वहां पे क्या बनेगा, क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होगी। सो मसल सेल्स में क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर 46 मिलेगा, और जो जर्म सेल्स थी वहां पे क्या मिलेगा, 23 मिलेगा, ठीक है। स्किन की सेल्स, जितनी भी सेल्स है हमारी बॉडी में, वहां पे क्रोमोसोम का नंबर 46 है। ह्यूमन बींग्स के केस में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का नंबर वेरी करेगा। अब जहां न्यूक्लियस है वहीं क्या बनेंगे, क्रोमोसोम बनेंगे, ठीक है। अब जैसे आरबीसी है, जो मैच्योर आरबीसी है ना, वहां पे न्यूक्लियस क्या होती है, एब्सेंट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर किसी सेल के पास क्रोमोसोम का नंबर हाफ है, हाफ का मतलब हम क्या लेते हैं कि सिर्फ एक सेट है क्रोमोसोम का, 46 का मतलब हम पेयरिंग कर सकते हैं ना, तो यहां पे कितने पेयर बनेंगे, 23 पेयर। बट जो 23 क्रोमोसोम है जो किसमें प्रेजेंट थे, जर्म सेल्स में, वहां तो पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है, 23 को हम कैसे पेयर करेंगे, ये तो ऑड नंबर है ना। सो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या, क्रोमोसोम का एक सेट बना। और ऐसी सेल जिसके पास क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट होगा, उसको हम बोलते हैं हैप्लोइड, ठीक है। क्या बोल देंगे, हैप्लोइड, और ऐसे लिखेंगे 1n से। 1n का क्या बता रहा है, क्रोमोसोम का एक सेट बता रहा है। तो हैप्लोइड सेल कौन सी है, जर्म सेल्स हमारी हैप्लोइड सेल्स होंगी, और बॉडी की जो सारी नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो क्या होंगी, डिप्लोइड होंगी। 2n का मतलब डिप्लोइड, डिप्लोइड मीन्स दो सेट है क्रोमोसोम्स की, समझ रहे। क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ कहाँ होगा, गैमेट्स, जर्म सेल्स में। हाफ नंबर का मतलब क्या है, वहां पे पेयरिंग नहीं है, सो एक ही सेट है क्रोमोसोम का, एक सेट है, तो सेल कौन सी होगी, हैप्लोइड। हैप्लोइड का मतलब 1n से हम उसको लिख देंगे, जो क्या बता रहा है, एक सेट है सेल के पास क्रोमोसोम्स का। जो बॉडी की दूसरी सेल से, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल से, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, वो क्या होंगी, डिप्लोइड होंगी। डिप्लोइड का मतलब क्या होता है, जहां पे क्रोमोसोम का दो सेट हो, तो ये रहेंगी डिप्लोइड, 2n। डिप्लोइड डाई का मतलब होता है दो ना, तो डिप्लोइड मीन्स दो सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है। जो गैमिट्स है वो दो टाइप के होंगे, मेल और फीमेल गैमिट। बनेंगे कहां पे, मेल गैमिट बनेगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फीमेल गैमिट बनेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। अब मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में क्या था, एंथर था, एंथर में पोलन ग्रेन्स बनेंगे, उन पोलन ग्रेन्स के पास क्या रहेगा, मेल गैमिट। फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी, ओवरी में बनेंगे ओव्यूल्स, और उन ओव्यूल्स में क्या प्रेजेंट रहेगा, फीमेल गैमिट। सो आज हम बस इतना ही करेंगे, ओके।